हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज, कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास प्लस टू चैप्टर 6 डिजिटाइजेशन में इस चैप्टर के मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चंस पढ़ेंगे, मींस MCQ। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको डिजिटाइजेशन के बारे में बताना चाहूँगा कि डिजिटाइजेशन का अर्थ है कि जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को किसी भी डिजिटल माध्यम जैसे कि कंप्यूटर की मदद से पढ़ सकते हैं या उसको स्टोर कर सकते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, डिजिटाइजेशन। आजकल हम अपनी फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियोज आदि को कंप्यूटर पर स्टोर करके रख सकते हैं या ऑनलाइन मेथड जैसे गूगल ड्राइव या डिजी लॉकर में भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो सो वो क्या चीज होगी, डिजिटाइजेशन। तो अब बात करते हैं इस चैप्टर के मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है, डैश इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म। जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो इसके ऑप्शन है ई लर्निंग, ई कॉमर्स, डिजिटाइजेशन और नेट बैंकिंग। तो इसका सही आंसर है डिजिटाइजेशन, कि जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं डिजिटाइजेशन। तो डिजिटाइजेशन के बारे में आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि डिजिटाइजेशन की मदद से हमें जो सेवाएं हैं, सर्विसेस हैं, वो बहुत फास्ट और आसानी से मिल रही हैं। जैसे हमने अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना हो तो UID की साइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका रिजल्ट आता है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कोई आपको पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बुक चाहिए वो आप ई बुक वाले लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो ये किसके कारण पॉसिबल हुआ है, डिजिटाइजेशन के कारण। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारा रिकॉर्ड जो है कंप्यूटर पे स्टोर किया जा सकता है और उसे हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जब डाउनलोड कर सकें उसको बोलते हैं डिजिटाइजेशन। नंबर टू, दैट इज मेंट टू बी ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। कि डैश का अर्थ है इंटरनेट के द्वारा वस्तुओं को खरीदना और बेचना। तो इसके ऑप्शंस हैं ई कॉमर्स, डिजी लॉकर, डिजिटल पेमेंट या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का मतलब होता है ई व्यापार, कि पहले हम ऑनलाइन बिजनेस नहीं करते थे, ऑफलाइन बिजनेस करते थे। उसके लिए हमें सामान लेने के लिए बाजार जाना पड़ता था और उसके लिमिटेड आवर्स होते थे, बट ई कॉमर्स की मदद से क्या है, हम घर बैठे किसी भी टाइम पे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और उसकी पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं, जिससे हमारे समय की बचत होती है। नंबर थ्री, इजिएस्ट एंड कन्वीनियंट वे फॉर कैशलेस पेमेंट इज डैश। मीन्स कि डैश नकदी रहित भुगतान का आसान और तेज तरीका है। तो इसके ऑप्शंस हैं डिजिटाइजेशन, स्टोरेज, ऑफलाइन और डिजिटल पेमेंट। तो इसका सही आंसर है डिजिटल पेमेंट। तो डिजिटल पेमेंट के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो डिजिटल पेमेंट है इसको ऑनलाइन पेमेंट भी बोलते हैं। तो डिजिटल पेमेंट में क्या है कि हमें साथ में कैश कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें जो मेथड आ जाते हैं वो आ जाते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, देन उसके अलावा ई वॉलेट जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या नेट बैंकिंग वगैरह। ये चीज़ें जो हैं ये सारी डिजिटल पेमेंट के मोड हैं। इनका फायदा क्या है कि हमें कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, जिससे हमारे पैसे को चोरी होने का खतरा नहीं रहता। ये टोटली सिक्योर है, इसमें हमें अपना पासवर्ड भी लगाना पड़ता है डिजिटल पेमेंट में और उसका OTP भी आता है, मतलब हमें टू वे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसके बारे में हम डिटेल में क्वेश्चन आंसर में पढ़ेंगे। नंबर फोर, डैश स्टोर ओनली दोज एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स इशूड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थ्रू डिजिटल मोड। मींस डैश में केवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स ही संस्था की तरफ से डिजिटल माध्यम में जारी किए जाते हैं और इन्हें स्टोर किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शंस हैं स्वयं, नेड, MWOCS और डिजी लॉकर। तो इसका सही आंसर है
नेड। तो जो नेड है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, मीन्स की जेबी डिजी लॉकरी की तरह है। बट डिजी लॉकर में क्या होता है कि हम अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, रिजल्ट कार्ड वगैरह कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। बट जो नेड है इसके अंदर सिर्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट या आपको सरकार की तरफ से या आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अवार्ड मिला है वो स्टोर होते हैं। इनके अलावा इसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर हमारे एजुकेशनल रिलेटेड डॉक्यूमेंट स्टोर हो उसको नेड बोलते हैं। अगर हम किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट, जैसे बताया मैंने आधार कार्ड, देन वोटर कार्ड, रिजल्ट कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो कहां पे होता है? डिजी लॉकर में। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, डैश इज अ टाइप ऑफ ई कॉमर्स विच इन्वॉल्व्स कंपनी एंड कस्टमर। कि डैश ई कॉमर्स की एक किस्म है या टाइप है जिसमें कंपनी और कस्टमर दोनों शामिल होते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं बी टू बी, बी टू सी, सी टू सी और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है बी टू सी। तो बी टू सी का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। इसमें कंपनी और जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, वो डायरेक्ट शामिल होते हैं। कस्टमर कंपनी से डायरेक्ट किसी भी चीज को खरीद सकते हैं और इसके लिए कुछ वेबसाइट्स यूज होती हैं, जैसे amazon.com, flipkart.com, ebay.com, mantra.com। इसमें जो कस्टमर है वो डायरेक्ट पेमेंट कर सकता है, वो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकता है, उसके अलावा कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकता है। इसमें चीजें सस्ती मिलती हैं। सस्ती क्यों मिलती हैं? क्योंकि बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता, कंपनी और कस्टमर डायरेक्ट जुड़े होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर ये आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर टीचर की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।